हेलो एंड वेलकम गाइस, स्वागत है आपका फैंटास्टिक एडिशन चैलेंजर में। तो आज के इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे फैन कोड ECS T10 लेंस कोरोना की, जो कि मैच होने वाला है ऐसे हिसिंग जैन वर्सेस यूनाइटेड क्रिकेट क्लब के बीच में। तो चलिए दोनों ही टीम के प्लेयर पर एक बार नजर कर लेते हैं कि कौन से प्लेयर को हम लोग ऐसे स्मॉल लीग में लेके जा सकते हैं, कौन से प्लेयर को हम लोग ऐसे ग्रांड लीग में पिक कर सकते हैं, प्लस कौन सा प्लेयर हमारे लिए कैप्टन और वाइस कैप्टनशिप के लिए बेस्ट चॉइस रहेगा, उसके बारे में बात कर लेंगे। पिच रिपोर्ट देख लेते एक बार और लास्ट में हमारी फैंटास्टिक टीम देख लेते एक बार कि कौन से प्लेयर को हमें लेके जाना है, कौन से प्लेयर को हम लोग ऐसे अवॉइड करके जा सकते हैं। सारी डिटेल्स इसी वीडियो में कवर कर लेंगे। तो चलिए फिर बिना किसी देरी के वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं। तो बात करें इसमें, इससे पहले एक छोटी सी रिक्वेस्ट रहेगी कि YouTube चैनल को अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो सबसे पहले आपको वही काम करना है, YouTube चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है, क्योंकि ये टूर्नामेंट पूरी हम लोग कवर करेंगे। इसके साथ साथ यहाँ से मिलेगा आपको KCA T20 के वीडियोस, मीन्स यहाँ से केरला T20 के वीडियोस मिल जाएंगे। इसके साथ साथ मिल जाएंगे आपको यहाँ से शारजा T10 के वीडियोस। ये सारे अच्छे मैचेस की वीडियो के लिए आप लोग यहाँ से यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो और यहाँ से टेलीग्राम चैनल से जुड़ जाएगा, क्योंकि फाइनल अपडेट और टीम वगैरह आपको वहीं पर मिल जाएगी। तो टेलीग्राम से जुड़ने के लिए मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में ऑलरेडी लिंक अटैच किया हुआ है। इनकेस अगर लिंक वर्क ना करें, टेलीग्राम में जाके आप सर्च भी कर सकते हो फैंटास्टिक एडिशन चैलेंजर, या फिर आप सर्च कर सकते हो @FDC27 और आपको सीधा हमारा चैनल मिल जाएगा। सिंपली उसे ज्वाइन कर लेना, क्योंकि वहीं पर ही आपको फाइनल अपडेट और टीम वगैरह मिलने वाली है। तो बात करें इस मैच की, तो ये मैच शाम को 4:30 पर पहली मैच खेली जाएगी। दूसरी मैच की बात करें तो यहाँ से 6:30 पर दूसरी मैच खेली जाएगी। वेन्यू रहेगा वही लेंस कोरोना क्रिकेट क्लब स्वीडन रहेगा। पिच रिपोर्ट की बात करें तो यहाँ से न्यूट्रल और बैलेंस पिच रहने वाली है। बॉलर्स और बैट्समैन दोनों को अच्छी हेल्प मिल सकती है। बात करें यहाँ से एवरेज स्कोर की, तो 110 मैंने यहाँ से मेंशन किया है, लेकिन दोनों ही टीम के प्लेयर्स पर देखते हुए लगता है कि यहाँ से अगर HSG पहले बैटिंग करवाएगी तो यहाँ से स्कोर 90 से 110 रन के आसपास बन सकता है, और साथ में अगर UCC ने पहले बैटिंग करवाई तो स्कोर 110 के प्लस भी जा सकता है। तो ये थोड़ा सा आपको ध्यान में रख के चलना है। बात करें यहाँ से टीम HSG की, तो यहाँ से जनार्दना ककरला और यहाँ से राकेश मोराणी श्रीकांत दोनों ओपनिंग करवा सकते हैं। इस टीम की बात करें तो ये सबसे उम्दा प्लेयर लगा मुझे ऐसे जनार्दना ककरला। T20 मैच खेला हुआ है, T10 इससे पहले कभी खेला नहीं है। 20 मैच के अंदर 137 रन है करीबन 16 की एवरेज से, तो बैटिंग ठीक ठाक कर लेता है, प्लस हर एक मैच के अंदर पूरी ओवर्स करवाएगा। यहाँ से विकेट लेने के चांसेस रहते हैं। राइट आर्म फास्ट गेंदबाजी, ऐसे डेथ ओवर्स वगैरह में भी एक आधी गेंदबाजी करवाएगा। जैसे ककरला को अपनी टीम के अंदर जरूर लेके जाएंगे हम लोग यहाँ से। बाकी राकेश मोराणी श्रीकांत थोड़े से ओके ओके पिक रहेंगे, अगर कोई अच्छी चॉइस ना मिले तो आप उनको ट्राई कर सकते हो। देखो पहले बता दे रहा हूँ, यहाँ से बैटिंग ऑर्डर है थोड़ा सा ऊपर और नीचे हो सकता है, क्योंकि अलग अलग क्लब से सब आ रहे हैं और यहाँ से मेंशन करना थोड़ा बहुत मुश्किल हो रहा है। बाकी बात करें यहाँ से चैतन्य किलारी, 9 मैच के अंदर 79 रन है, यानी कि करीबन 80 के रन, यहाँ से 14 की एवरेज है 6 विकेट से, तो ये बंदे को आप लेके जा सकते हो, एज ए प्लेयर जरूर ट्राई कर सकते हो। ऐसा ज़्यादातर जनता इनको लेके भी आ सकती है, सिलेक्शन काफ़ी ज़्यादा है चैतन्य किकरली को, और वैसे भी अच्छा प्लेयर है, इनको ट्राई कर सकते हो अपनी टीम के अंदर। हर एक मैच के अंदर पूरी ओवर्स भी करवा सकता है, तो इनको ट्राई करना है। गोकुल श्रीनिवासन की बात करें तो 12 मैच के अंदर 13 की एवरेज से यहाँ से करीबन 114 रन है और 10 विकेट्स भी निकाली हुई, हर एक मैच के अंदर लगभग पूरी ओवर्स करवाता हुआ नजर आएगा आपको, और अच्छी खासी विकेट टेकिंग कैपेसिटी काफ़ी अच्छी है, तो इनको जरूर ट्राई करेंगे हम लोग यहाँ से हमारी टीम के अंदर एज ए प्लेयर, मैं इनको जरूर लेके जाऊँगा। नितिन रामाकृष्णन की बात करें तो एक ही मैच के रिकॉर्ड्स मिले, वनडे खेले जहाँ पर 32 रन का स्कोर किया है, तो ज़्यादा कोई रिकॉर्ड्स मिले नहीं, तो देख लेते अगर कोई अच्छी चॉइस ना मिले तो इनके ऊपर आप रिस्क ले सकते हो। वैसे ये जो खेले वो वनडे मैचेस, यानी कि 50 ओवर की जो मैच होती है वो मैच खेल के आए हुए, या T10 इससे पहले कभी खेले नहीं है, तो इनके बारे में बताना थोड़ा बहुत मुश्किल रहेगा। वैभव जोशी वेरी इंपॉर्टेंट पिक रहेंगे, 8 मैच के अंदर 7 विकेट है, 22.2 ओवर्स की गेंदबाजी T20 के अंदर, हर एक मैच के अंदर लगभग पूरी ओवर्स करता हुआ नजर आएगा आपको, 2 ओवर्स पूरी करवा सकता है। राइट आर्म मीडियम फास्ट गेंदबाजी, यहाँ से विकेट्स वगैरह चटका सकता है, विकेट टेकिंग कैपेसिटी भी काफ़ी अच्छी है, यहाँ से 8 मैच के अंदर 31 रन भी है, तो इनको जरूर लेके जाएंगे हम लोग यहाँ से हमारी टीम के अंदर। सुधीर अप्पा राव की बात करें तो 9 मैच के अंदर 7 विकेट्स T20 के अंदर, तो इनको ट्राई करिएगा, अगर कोई अच्छी चॉइस ना मिले तो इनको जरूर लेके जा सकते हो आप। देखो इनको लेके जाना थोड़ा बहुत रिस्की तो हो सकता है, लेकिन फिर भी अगर कोई अच्छी चॉइस ना मिले तो आप लोग जरूर ट्राई कर सकते हो, क्योंकि विकेट टेकिंग कैपेसिटी थोड़ी बहुत ठीक ठाक है ऐसे इनकी, तो इनको ट्राई करना है। बाकी हमीद की बात करते हैं, यहाँ से नजमुद्दीन शाहुल हमीद की बात करते हैं, ऐसे 4 मैच के अंदर 3 विकेट निकाले हुए, हर एक मैच के अंदर 1-2 ओवर्स करवा सकता है, ऐसे इनको ट्राई कर सकते हो। ये देखो बॉलर्स के ऊपर थोड़ा बहुत ज़्यादा फोकस रखेंगे, तो और कोई ऑप्शन यहाँ से कोई पॉइंट्स दे सकता है आपको तो यहाँ से बॉलर से पॉइंट्स दे सकते हैं, बाकी बैटिंग के लिए कोई ज़्यादा एक्सपेक्टेशन मत रखिएगा। तो यहाँ से मैं इसके लिए यहाँ से बॉलर्स के ऊपर थोड़ा सा ज़्यादा फोकस कर रहा हूँ, तो यहाँ से हमीद को मैं लेके जा सकता हूँ, या फिर ऐसे
रेड्डी थोड़े से ओके ओके पिक करेंगे, चार मैच के अंदर सिर्फ दो ओवर की गेंदबाजी खेल रहा है लेकिन दो विकेट निकाले हुए हैं, तो ये थोड़े से डिफरेंशियल वे में ट्राई कर सकते हैं, आई थिंक शायद कंटिन्यू करवा सकता है अगले मैच के अंदर। बाकी नालगे, संतोष नालगे वेरी इंपॉर्टेंट पिक, इनको जरूर मैं अपनी टीम के अंदर लेके जाऊंगा, यहाँ से हर एक मैच के अंदर पूरी ओवर्स करवा सकता है। यहाँ से अभिराव कम्मा की बात करूँ तो ये ओके ओके पिक रहेंगे, लेकिन ज़्यादातर पब्लिक उनको लेके आने वाली है, यहाँ से बहुत ज़्यादा सिलेक्शन है, तो उस हिसाब से अगर आप स्मॉल लीग के अंदर सेफ जाना चाहो तो यहाँ से कम्मा को भी ट्राई कर सकते हो। बाकी बेंच से अगर कोई भी खेलता है तो इनके स्टेट्स आपको टेलीग्राम में प्रोवाइड करा दूंगा, तो टेलीग्राम से जुड़े रहेगा क्योंकि अपडेट वगैरह आपको वहीं पर मिल जाएगी। वैसे बहुत सारे ऐसे प्लेयर्स हैं जिनके स्टेट्स कहीं पर भी अवेलेबल नहीं है, ये जो सारे प्लेयर्स हैं इनके स्टेट्स कहीं पर भी अवेलेबल नहीं है, तो यहाँ से इनमें से अगर कोई आके कोई अच्छा परफॉर्मेंस कर देता है तो फिर यहाँ से वो हमारा लक रहेगा, हमारा नसीब रहेगा, क्योंकि इनका परफॉर्मेंस कहाँ पर भी मौजूद नहीं है। बात करते हैं ऐसे टीम यूसीसी की, तो ऐसे लतीफ़ सुलेरी और यहाँ से इशरार खान दोनों ओपनिंग करेंगे और दोनों की ऐसे बैटिंग एवरेज काफ़ी अच्छी है, तो यहाँ से कुछ एक्सपेक्टेशन इस तरह से कर सकते हैं कि अगर यूसीसी पहले बैटिंग करवाएगी तो स्कोर यहाँ से 130-140 के आसपास भी जा सकता है, तो ये थोड़ा सा ध्यान में रख के चलना है। लतीफ़ सुलेरी बैटिंग के साथ साथ यहाँ से बॉलिंग भी अच्छी खासी करवा सकते हैं, एक दो ओवर्स करवा सकते हैं हर एक मैच के अंदर और विकेट भी चटका सकते हैं, तो एज अ प्लेयर इंपॉर्टेंट, इवन मैं कैप्टन या वाइस कैप्टन यहाँ से लतीफ़ सुलेरी को करके आ सकता हूँ। बाकी यहाँ से इशरान खान भी यहाँ से 29 के एवरेज से 314 रन है 15 मैच के अंदर, तो इनको मैं ट्राई कर सकता हूँ, साथ में ओवर्स भी हर एक मैच के अंदर पूरी करवा सकता है, ऐसे 15 मैच के अंदर 25 ओवर की गेंदबाजी कर चुके हैं ऐसे T20 के अंदर, तो यहाँ से T10 वगैरह में भी एक दो ओवर्स करवाने के चांसेस हैं इनके पास। तो बॉलिंग से ज़्यादा आप लोग इनसे बैटिंग से एक्सपेक्टेशन रखिएगा क्योंकि हर एक मैच के अंदर बड़ा स्कोर करता हुआ नजर आ सकता है। सागर करीर विकेट कीपिंग सेक्शन से दिखेंगे आपको, तो इनको जरूर ट्राई करिएगा, 6 मैच के अंदर 84 रन है 21 के एवरेज से, तो एज अ प्लेयर हमारे लिए एक अच्छी पिक बन सकती है, ऐसे सागर करीर को लेके जाएंगे। बाकी मोहम्मद बिलाल एक इंपॉर्टेंट पिक है, यहाँ से देखो टॉप ऑर्डर इनका सारा ही मजबूत है और टॉप ऑर्डर में से किसी भी प्लेयर को हमें मिस नहीं करना है, ऐसे या फिर यहाँ से लतीफ़ सुलेरी हो, इशरार खान हो, यहाँ से सागर करीर हो, यहाँ से मोहम्मद बिलाल हो, या फिर यहाँ से इमरान हबीब, तो ये पाँचों ही प्लेयर तो आपकी टीम के अंदर होने ही चाहिए। इवन कैप्टन और वाइस कैप्टनशिप की बात करो तो आप सागर करीर को छोड़ दीजिएगा, कि यहाँ से इन चारों प्लेयर्स में से किसी को भी आप कैप्टन या वाइस कैप्टनशिप के तौर पर भी ट्राई कर सकते हो, क्योंकि हर एक जो बंदा है चारों ही प्लेयर्स जो मैंने बताया आपको, इसमें से कोई भी यहाँ से या तो ओपनिंग में आ सकता है या फिर यहाँ से बैटिंग से बॉलिंग से दोनों ही से धमाल मचा सकता है, थोड़ा सा ध्यान में रख के चलिएगा। राशिद महमूद की बात करिए तो यहाँ से 15 के एवरेज से 104 रन है 8 मैच के अंदर 5 विकेट निकाली हुई है, तो इनको भी थोड़ा सा ध्यान में रख के चलिएगा, इनको लेके जाएंगे। मुजमिल खान ये बंदा इंपॉर्टेंट हो सकता है आपके लिए, 4 मैच के अंदर सिर्फ 4 ओवर की गेंदबाजी की, T20 के अंदर 6 विकेट निकाली हुई है, तो ज़्यादातर गेंदबाजी करता नहीं लेकिन जब भी गेंदबाजी करता है तब विकेट जरूर निकालता है, तो यहाँ से थोड़ा सा डिफरेंशियल वे में इनको ट्राई करना है। बाकी मुर्तजा सैजाद की बात करो तो 9 मैच के अंदर 4 विकेट है, ओके ओके पिक है, अगर कोई अच्छी चॉइस मिले तो ट्राई करिएगा। रोहित कुमार सेम चीज़ यहाँ से ओके ओके पिक रहेंगे, अगर कोई अच्छी चॉइस मिले तो ट्राई करनी है, ये सारे चारों प्लेयर्स इतने इंपॉर्टेंस नहीं रहेंगे, तो टॉप ऑर्डर पूरा ऐसे इंपॉर्टेंस है और लोअर ऑर्डर इतना कोई खास नहीं है। बाकी बेंच से अगर कोई भी खेलता है तो इनके स्टेट्स आपको टेलीग्राम में प्रोवाइड करा दूंगा, तो टेलीग्राम से जुड़े रहिएगा। तो चलिए देख लेते अभी हमारी फैंटेसी टीम कौन सी जा सकती है, कौन से प्लेयर को हमें लेके जाना है, कौन से प्लेयर को हम लोग यहाँ से अवॉइड करके जा सकते हैं। तो विकेट कीपिंग सेक्शन की बात करो तो यहाँ से एस हरीर हमारी टीम के अंदर रहेंगे, बाकी ऑप्शंस ठीक ठाक है, यहाँ से इतना कोई खास परफॉर्मेंस नहीं, ऐसा कोई प्लेयर्स मुझे लगा नहीं। बैटिंग सेक्शन की बात करो तो ऐसे आई हबीब, यहाँ से आर महमूद और आई खान हमारी टीम के अंदर रहेंगे, इशरार खान, बाकी ऑप्शंस सारे ठीक ठाक है, इतने कोई खास ऑप्शंस है ही नहीं जिनको मैं आपको बता सकूँ कि इनको आपको नहीं छोड़ना है, तो और कोई रिस्क लेना चाहो तो इन दोनों प्लेयर्स के ऊपर रिस्क लेना चाहो तो ले सकते हो, बाकी ऑप्शंस ठीक ठाक हैं। ऑलराउंडर सेक्शन में ऐसे जी श्रीनिवासन, यहाँ से जे ककल्ला और यहाँ से लतीफ़ सुलेरी, जिनका सिलेक्शन हम देख सकते हो सिर्फ 2% सिलेक्शन है, यहाँ से मोहम्मद बिलाल का सिर्फ 1% सिलेक्शन है, तो ये दोनों ही यहाँ से बैटिंग से बॉलिंग से दोनों ही से एडवांटेज दे सकते हैं, तो ये मैच थोड़ा सा आपके लिए स्मॉल लीग के लिए और यहाँ से ग्रैंड लीग के लिए अच्छी मैच होने वाली है, अगर ये दोनों प्लेयर खेलते हैं तो हमारे लिए वन साइडेड विनिंग होने के चांसेस थोड़े से ज़्यादा रहेंगे, तो ये थोड़ा सा ध्यान में रख के चलना है। बाकी ये प्लेयर्स भी अच्छा है, यहाँ से खिलाड़ी बैटिंग से बॉलिंग से एडवांटेज दे सकता है, जैसे मुजमल खान, ये दोनों प्लेयर्स को थोड़ा बहुत अपने ध्यान में रखकर चलना है क्योंकि दोनों में से कोई भी एक बड़ा परफॉर्मेंस दे सकता है। बॉलिंग सेक्शन से ऐसे आई अफजल है, वी जोशी और यहाँ से एस नालगे को मैंने पिक किया हुआ है, तो टीम कुछ इस तरह से रह सकती है हमारी कि कैप्टन हमारे रहेंगे ऐसे लतीफ़ सुलेरी और यहाँ से वाइस कैप्टनशिप की बात करें तो आई हबीब हमारी टीम के अंदर वाइस कैप्टन रहने वाले, बाकी ऑप्शंस की बात करें तो ऐसे इशरार खान एक अच्छी पिक है, इनको ट्राई कर सकते हो कैप्टन और वाइस कैप्टनशिप के तौर पर, बाकी सामने वाली टीम से अगर किसी को करना है तो ऐसे जे ककल्ला एक अच्छी पिक है कैप्टन और वाइस कैप्टनशिप के तौर पर। तो अभी के लिए कुछ इस तरह से टीम रहेगी, लेकिन याद रहे डेमो टीम है, फाइनल टीम आपको मिलेगी टेलीग्राम में, फाइनल लाइनअप के बाद तो टेलीग्राम से जुड़ना बिल्कुल मत भूलेगा, नीचे डिस्क्रिप्शन में मैंने लिंक अटैच किया हुआ है, इनकेस अगर लिंक वर्क ना करे तो टेलीग्राम में जाके आपको सर्च करना है डिसेंट चैलेंजर, फैंटासी डिसेंट चैलेंजर, या फिर आप सर्च कर सकते हो डायरेक्ट FDC
27 और आपको सीधा हमारा चैनल मिल जाएगा, सिंपली उसे ज्वाइन कर लेना। लेकिन याद रहे आपको दिखेंगे यहाँ से करीबन 1400 के आसपास सब्सक्राइबर दिखेंगे, वही चैनल को ज्वाइन करेगा, क्योंकि हमारे नाम से बहुत सारे फ्रॉड भी चला रहे हैं और आप भी उस फ्रॉड का शिकार ना हो, इसके लिए मैं यहाँ से आपको पहले ही यहाँ से आपको बता दे रहा हूँ कि ऐसे 1400 वाला जो सब्सक्राइबर दिखे वही चैनल को आपको ज्वाइन कर लेना है। बाकी यहाँ पर वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिएगा। बाकी यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा, क्योंकि आगे आने वाले और अच्छे मैचेस की वीडियो आपको इसी यूट्यूब चैनल पर मिलने वाले। मिलते हम लोग अगले वीडियो में एक नए सरप्राइज वीडियो के साथ। तब तक आप पूरा वीडियो देखते रहो, अच्छा एनालिसिस करते रहो, अच्छी टीम बनाते रहो, अच्छी विनिंग करते रहो। बाय, धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत।